यार इतना बढ़िया सॉन्ग लग गया कि ये भी नाचने लगी थी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, वो दिल तोड़ के हंस दियो मेरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों जस्ट अभी सो करके उठा हूँ, आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं कुछ। और लगभग 10 बजे, 10 बजे आज उठ गया, वैसे 2 बजे उठता हूँ, 2:30 बजे उठता हूँ, आज 10 बजे उठ गया। आपने कल नोट किया होगा कल की वीडियो में, मैं पूरा दिन यही टी शर्ट पहना रहा, और यही टी शर्ट पहना रहा मतलब कि कल मैंने नहाया नहीं यार। बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ यार, मैंने नहाया नहीं कल। और मतलब मेनली क्या होता है कि मैं पूरा दिन आराम करने के बाद शाम को नहाता हूँ 6-7 बजे के आसपास। कल क्या हुआ, मोबाइल टूट गया और साथ में गाड़ी बेकार हो गई थी, खराब हो गई थी कुछ थोड़ी देर के लिए, बहुत देर बाद बनी। तो उसमें क्या हो गया, रात के 9 बज गए, रात 9 बजे आया तो मैंने सोचा यार नहीं नहाता हूँ, और नहीं नहाया तो रात में नहाया नहीं तो नींद अच्छी नहीं आई, जल्दी सो गया और सुबह जल्दी उठ गया, और बीच में रात में नींद खुली कई बार। तो फाइनली फ्रेश हो चुका हूँ, नहाने की सोच रहा हूँ, नहाऊंगा अभी तो, नहाना शाम को भी पड़ेगा। कल नहीं नहा पाया उसकी मैं पूरा जो होता वो अपनी लाइफ में, आप लोग भी बहुत बार हुआ होगा 2-2-3 दिन नहीं नहाएंगे। मेरा हाईएस्ट लगभग गया है 12-12 दिन तक, 12 दिन नहीं नहाए थे, सच्ची बोल रहे हैं हम, ठंडी में 12 दिन नहीं नहाए थे। एक वो भी टाइम था, बड़ा याद आता है, बड़ा अच्छा लग रहा था 12 दिन की नहीं नहाए। एक मैंने सॉन्ग सुना है अभी बिल्कुल जस्ट, मैं जब फ्री बैठा था, तो यार एक बार आप ट्राई करना वो दिल तोड़ के न्यू वर्जन, आप ये ट्राई करना यार, इतना बढ़िया सॉन्ग लग गया कि ये भी नाचने लगी थी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, वो दिल तोड़ के हंस दियो मेरा, वफाएं तेरी याद करोगे वो दिल तो। देखिए डांस ये डांस करती है। मैं आज आपको एक पॉजिटिव बात बताता हूँ जिसे आप सुनकर के ना एक काफ़ी खुश हो जाओगे, एक आपको सजेशन भी दूंगा अच्छा सा। मैं एक लगभग 15 से 20 दिन पहले की बात है, मेरी खुद की स्टोरी। मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम और कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, उन सबको लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था एक टाइम था। और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि एक 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 ना एक दिन वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो सुसाइड करने की सोचने लगता है, सोचता है मैं कुछ ऐसा कर लूँ, मैं दुनिया में ना रहूँ। तो उस वो हर इंसान उस कंडीशन से गुजरा होता है, जो इंसान समझने वाला इंसान हो गया, फैमिली वाला हो जाता है और समझने वाला हो जाता है कि हाँ यार मेरे आगे ये है, पीछे ये है और मुझे कुछ करना चाहिए। तो हर इंसान ना एक ना एक बार सुसाइड करने की सोचता जरूर है, आपने भी सोचा होगा, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा प्लीज़। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, तो उसने एक बार मुझसे बताया था, कहा था कि यार मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर इन केस तुम्हें लाइफ में वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता, डिप्रेस्ड रहता था, तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा डिप्रेशन का वो भी शिकार हुए जैसा कि खबर आई है। तो क्या हुआ कि उसने एक बार मुझसे बोला कि यार तुम इतना डिप्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन में मैं भी रहता हूँ, तो मेरे पर डिप्रेशन का एक इलाज है। मैंने कहा क्या इलाज है? बोला कि जब तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाओ कि यार मैं इतनी ज़्यादा, मेरे अंदर कमियाँ हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ऐसा सोचो तो एक बार आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में जा करके एक बार हॉस्पिटल में 1 घंटे वहाँ पे बैठ जाओ। मैंने इसी को अप्लाई किया, अब वो दोस्त मेरे साथ नहीं है। जब एक दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया तो मैं 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मेरा कोई जानने वाला नहीं था वहाँ पे, मैं सिर्फ वहाँ पर जाकर के एक चेयर पे बैठ गया। चेयर पे बैठने के बाद मैंने सिर्फ ये वहाँ पे देखा, मैं सिर्फ 1 घंटा बैठा रहा। 1 घंटा बैठने के बाद मैंने देखा कि यार एक से एक पेशेंट आते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, किसी का मुंह टूट गया, किसी की नाक अलग हो गई, किसी के दांत टूट गए, किसी का मतलब इतनी इतनी बीमारियाँ मैंने देख ली, तो सच में यार मेरा पूरा डिप्रेशन गायब हो गया। आपसे एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो ना, एक बार कभी कभी देखो, हर इंसान सुख तो ऐसा है नहीं कि हर इंसान की ज़िंदगी में सुख ही सुख है, आपके इंसान में अगर ज़िंदगी में दुख आए कभी तो प्लीज़ एक बार मेरी एक बात मानना, आप एक बार हॉस्पिटल जाना और हॉस्पिटल के एक बेंच पे जाकर के, किसी जानने पहचाने वाले हॉस्पिटल में जाना, जाकर के बेंच पे बैठकर सिर्फ वहाँ का माहौल देखना, वहाँ के लोगों को देखना कि वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पेशेंट जो आते हैं उन पेशेंट्स को देखना कि ज़िंदगी में आप तो बहुत खुश हो, भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं आपके अंदर, तो इससे ज़्यादा आप क्यों डिप्रेशन हो रहे हो? जिनके पास हाथ नहीं पैर नहीं, किसी का पैर नहीं किसी का हाथ नहीं, उनसे पूछो डिप्रेशन किसे कहते हैं, तकलीफ़ उनसे पूछो उन्हें किसे कहते हैं, उनसे पूछो वो डिप्रेशन, असली डिप्रेशन में उन्हें भी होना चाहिए, फिर भी
मतलब सोचने की बात, उनका हाथ नहीं पैर भी नहीं, फिर भी वो खुश हैं। जब वो खुश हैं तो आपके पास तो सब कुछ है, तो आप खुश क्यों नहीं हो? प्लीज़ यार, कोई भी गलत कदम मत उठाओ, आप अपनी लाइफ के साथ अच्छे से लाइफ एंजॉय करो। अगर आज दुख है तो कल खुशियाँ आएंगी, आप इस चीज़ को मानो। मैंने आज तक उस दिन के बाद से कभी दुखी नहीं रहा। मैं इंसान, मेरे साथ मैं देखो, मेरे आप वीडियोज़ में देखते होगे, मैं छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट रहता हूँ। छोटे बच्चों को देखा, उनसे उनकी बातें जानना चाहता हूँ कि यार तुम्हारे माइंड में आखिर कौन कौन सी बातें हैं, तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, छोटे बच्चों से काफ़ी कुछ पूछता रहता हूँ, और इसी तरह बड़ों के साथ भी। मैं जितना खुश इंसान के साथ टहलना पसंद करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं एक दुखी इंसान के साथ टहलना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर आप उस दुखी को खुश कर सको तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि रतन टाटा, अंबानी, ये जो बड़े बड़े प्रेम जी, ये सब लोग जो बड़े बड़े हैं, ये बहुत खुश होते होंगे। लेकिन एक बार इनका इंटरव्यू देखो, आप यूट्यूब पे इंटरव्यू देखो, कहीं भी देखो, एक बार आपको दिख जाएगा कि यार ये कितने दुखी हैं। ये अम्मानी ने बोला था कि, अम्मानी आज भी बोलते हैं कि मैं लगभग 3 से 3.5 घंटे की नींद लेता हूँ, वो भी खुशी से नहीं, मैं दुखी रहता हूँ उसमें भी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता हूँ उस 3 घंटे की नींद में भी, बहुत मुश्किलों से नींद आती। अब वो क्या सोचते हैं कि मैं 1 लाख करोड़ रुपए मैंने कमा लिया है, अब इस 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ कैसे बनाऊँ। अब जब 2 लाख करोड़ बन जाएगा तो उससे सोचेंगे 10 लाख करोड़ कैसे बनाऊँ। इनकी लाइफ इसी में बीत जाएगी, क्योंकि इनकी लाइफ में बर्डन बहुत है। और अगर आपकी लाइफ में, आप अगर एक इंसान, आप दुनिया का सबसे सुखी इंसान पता है कौन है? दुनिया का सबसे सुखी इंसान, एक सैलरी वाला भी सबसे ज़्यादा सुखी नहीं, सुखी वो है जो दिन में मजदूरी करता है और शाम को आकर के उसी का खाना बनवा करके तब उसमें से 4 पैसा बचा करके खाता है, और तब वो जो नींद लेता है ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी नींद होती है। तो कभी ये मत सोचो कि यार आज आपके पास दुख है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपके पास पैसा नहीं है। पैसा कभी अम्मानी के पास भी नहीं था। अम्मानी बोलते थे, अम्मानी ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि उनके पापा जो थे, पिताजी, वो उनको एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे, और प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए उन लोगों के पास बैग तक नहीं था। तो यार सोच लो, किसी की किस्मत कभी भी बदल सकती है। और ये मत सोचना कि यार वो खुश हैं, वो दुखी हैं, आप खुश हो। वो इतना इतना पैसा होने के बाद भी वो दुखी हैं, तो इतना पैसा मत कमाने की होड़ में रहो कि आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को भूल जाओ। ये क्या छोटी सी बातें मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आकर के, मैंने अपने गांव में कई लोगों से मिलता हूँ, उनको समझाता हूँ, लेकिन गांव के लोग बहुत मुश्किलों से समझते हैं कि यार दुखी मत हो, किसी भी कंडीशन में दुखी मत हो, हर कंडीशन में खुश रहो। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को मैंने बदला है अपनी लाइफ में, जिसका मुझे उस तरफ, वो देखो इसको इशारा बता रहे हैं, देखो ओए ओए इस तरफ देखो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, इस तरफ देख के एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। बताओ इनसे, बताओ अंकल, तो बोलो तो अंकल। डर भी रहे हमारे हाथ पकड़ने, कुछ डर रहा। कौन सा, ये वाला, ये हा? ये कि ये कि ये एक लेना, तुम सब ले लो। ये छोटे बच्चे खेलते हैं यार, अब तुम जब बच्चे होते हैं, ये लो तुम अपने इसमें, सुनो ये ले लो बाबू, हैं इसमें अपना हाथ रगड़ना ना। हाँ वो क्या रखा है, क्या? हाँ और क्या, सही बात है, कहीं ना मिल जाता था। हाँ ठीक ठाक घर देखते हैं, उसी जगह मांगते हैं। हाँ वो तो है ही। अंकल, हाँ अंकल, ब्राह्मण है क्या अभी? अंकल, अच्छा 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 अंकल, वो ग्रीन ग्रीन कलर का है, वो ग्रीन ग्रीन कलर का। अच्छा ग्रीन कलर का, देखो भैया ये उठाओ जो, हाँ यही 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 लोगे, ले लो। और ये भी चाहिए, देखो इस पे फूको, फूको देखो, फूको तो देखो। अरे अरे बाबू इसमें देखो, देखो और कुछ चाहिए, देखो अभी देखिएगा आप लोग। ये भी खा। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहाने जा रहा हूँ अब यार। हाँ दिखाओ दिखाओ, ये देखो इनके खिलौने, तब से ये 2 खिलौने पर खुश हैं, 20-20 रुपए के खिलौने में खुश हैं, और 10-10 हजार 15-15 हजार की वो कारें जो इनकी रखी हुई हैं, वो ये बंदा देखता तक नहीं है उसको, वो ना।
फाइनली नहा लिया, मतलब कि सालों का सूखा हुआ पूरा, सालों के दिन का सूखा हुआ पूरा। लेकिन मैं, मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं जब नहाता हूँ ना तो अच्छे से नहाता हूँ, ये बाल वगैरह अभी भी गीले हैं, तो मैं नहाता हूँ तो लगभग कम से कम 1.5 घंटे नहाता हूँ। तो 1.5 घंटे, 3:30 का टाइम हो गया, 3:30 टाइम हो गया, 2 बजे मैं नहाने गया था। फाइनली एक बार फिर से बाहर आ गया हूँ, घर के बाहर कदम रखा हूँ, और फिर से जो आज तक रोजाना के वीडियो में दिखता है आप, वो बंदा अभी तक आपको नहीं दिखा होगा, तो बिल्कुल मेरे जस्ट बगल में खड़ा है। ये देखो आप, पैर अपना चेहरा छुपा रहा है, पता नहीं क्यों आज इतना एटीट्यूड में है, और पता नहीं क्यों इतना एटीट्यूड है, पता नहीं किस चीज़ का, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो आज तो कल बर्थडे की तैयारी है, कल बर्थडे है अपने भाई का, छोटे भाई का मेरे, इनका तो है 29 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को, दो बार इनका बर्थडे होता है। और दूसरे बर्थडे की एक सीक्रेट वजह है, जो शायद वीडियो को देख रहा होगा 22 अक्टूबर वाला समझ गया होगा, अगर उसके पास पहुंच गया होगा तो। लोचा हो गया ये साइकिल जो खड़ी है, ये चलाने की सोची तो इस पर बैठे, तो इतने साल बाद, तो दुनिया का इतना बड़ा मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। ये मेरी लोवर जो है, हाफ लोवर, ये पूरी फट गई है भाई, हो गया फाइनली, लोवर चेंज हो गई है। ये रही वो लोवर, ये मैं पहना था, और ये थी साइकिल, साइकिल दिखाओ थोड़ा, ये थी वो जानलेवा साइकिल, ये बंदा चला रहा था, इसको दिखा दो थोड़ा, ये मैं यहाँ पे पीछे बैठा हुआ था, मैं इस तरफ कॉर्नर में पता नहीं कहाँ भी फंसा, और ये लोवर जो मेरी थी वो चर चर बोली, और आपको दिखाता हूँ मैं अभी, इस बंदे ने लोवर लाई है, ये देखो भाई, ये लोवर रही, और ये देखो फटी, अरे भाई बड़ी तगड़ी फट गई, तो मुझे लगा वो भी फटी, ये देखो फटी। लोवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, लेकिन मैं इसे सिलवाऊंगा, क्योंकि ये गिफ्टेड है, और गिफ्टेड अगर कोई चीज़ हो तो उसे ना कभी फेंका नहीं जाता है, ये चीज़ हमें याद रखना। उस टाइम जब आपने व्लॉग देखा होगा तो इसी जगह पे एक डॉग था, गर्ल डॉग, मतलब कुतिया कहना अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी थोड़ी गलती की वजह से उस पर बाइक चढ़ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि वो शायद बचेगी नहीं, लेकिन बच गई, और अभी वो हम लोगों से तेज़ भागते हुए भागी है, बहुत तो ज़्यादा ही इसके लग रहा है स्टेमिना आ गया, रोजाना बिस्किट खा करके पैसा जमा करने आ गए। ये गड्डी देख लीजिए आप लोग, गड्डी है, पैसा देखिए पहले कितना है, मतलब ये आज निकालता है बंदा, कल पैसा फिर पूरा खर्च कर देगा, 2-3 दिन में पूरा पैसा खर्च कर देगा, फिर लाएगा, फिर पता नहीं कहाँ से ले आएगा, फिर जमा करेगा। गड्डियाँ देखी, गड्डियाँ, पैसा भैया, कुछ हम गरीबों को भी ध्यान दे दो भैया, बताओ इतना पैसा क्या करेंगे भैया आप, कहाँ खर्चा हो जाता है, फ्यूचर काम आपका है, खर्चा थोड़ी नहीं होता है, बिल्कुल ये सारा पैसा इसका है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला, किसी को पैसे वैसे ज़रूरत हो बताइएगा, हम पैसा वैसा दिलवा देंगे, 10-20-50 हज़ार रुपये, कोई दिक्कत नहीं, 10-20-50 हज़ार हमारे सब्सक्राइबर्स को दे दो, बिल्कुल दे देगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, किसी को चाहिए और 22 तारीख को ज़्यादा ही कुछ पैसा, 22 अक्टूबर को भाई ये कम से कम 2 लाख रुपये खर्चा करिए, 2 लाख रुपये कम या ज़्यादा, ऐसे ही बैठ जाता, ऐसे ही बैठ जाएगा, बैठ जाता क्या, बैठ जाएगा। एक और घपला हो गया, ये नुकसान करवा के आए हैं इतने लापरवाह इंसान, मैंने आपको पहले बताया था दुनिया के अगर 5 टॉप लापरवाह इंसानों की गिनती की जाए तो उसमें ये नंबर 1 पे आएगा। अभी अभी इसने 15,000 के आसपास पैसा जमा किया अकाउंट में, और जब पॉकेट से निकाल रहा था पैसा तो उसकी जेब में थे 16,500 रुपये, तो उसमें से 2 नोटें जेब में ही रह गई और 15,500 निकले, 500 वहीं पर शायद गिरा दिया इसने, अब इसकी जेब में सिर्फ 1,000 रुपये बचा हुआ है, और खुला गिरा दिया, मतलब इसको ये पता है कि गिरा दिया है, लेकिन इतना लापरवाह इंसान शायद ही आपने कहीं देखा हो। कहाँ से बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं मैम, आपकी बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर में हो रही है, क्या सहायता कर सकते हैं आपके? मैम खाता नंबर हमारा पैसा नहीं आया अकाउंट में अभी भी, मतलब बैंक में पैसा भेज दिए, रिसीविंग मिल गई, 1 घंटा हो गया पैसा नहीं आया है, क्यों वेट करें, पैसा हमें रिसीविंग मिल गई तो हम वेट क्यों करें, मैं पेप्सी पियेंगे मैम, क्या बोल रहे, अरे धन्यवाद, 15,000 जमा हुआ है मैम, 15,000 हुआ है,
टोटल अमाउंट कितना है? अरे टोटल मत बोलना वरना ये अकाउंट यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, टोटल मत बोलिए। यहाँ पर पेप्सी से देखिए ये देखिए ये मतलब प्रीमियम लोग जो होते हैं ना पैसे वाले, ये माउंटेन ड्यू से कुल्ला करते हैं। हम तो भाई पियेंगे भाई, गरीब गुरबा इंसान है। एक एक ये आती है पेप्सी, स्प्राइट। स्प्राइट आप लोग जानते होंगे, पिए भी होंगे। तो अभी मैं आप लोगों से एक तरीका बताऊंगा, वो शायद आप अपने जिंदगी में अप्लाई करिए। कभी स्प्राइट लाइएगा, अगर स्प्राइट लगेगा स्प्राइट में थोड़ा सा काला नमक डाल के तब पिएगा, बहुत स्वादिष्ट और बहुत फायदेमंद। कभी यूज करिएगा, मैं हमेशा स्प्राइट, ये तो ड्यू है लेकिन स्प्राइट जब भी यूज करता हूँ यही करता हूँ। हम लोग जब लाइव व्लॉगिंग कर रहे थे उसी टाइम पे इस बंदे का फोन इन्फिनिक्स S5 Pro और कितने दिन पुराना, सिर्फ कितना, 8 दिन का है, 8 दिन का, 8 दिन पुराना। कल लाइव व्लॉगिंग करते टाइम, कल आपने वीडियो देखा होगा उसमें देख रहे थे कि हम लोग व्लॉगिंग कर रहे थे, ये देखे तुरंत आज नया ले भी आए भाई। ललित का भैया ये अपना जो है इतना प्रो बंदा है, ये पबजी नहीं खेलता है वरना पबजी में भी प्रो खरीद ले सारे जितने हैं। इसका मोबाइल गिरा लाइव व्लॉगिंग के दौरान और पीछे से कार चढ़ गई। आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरी प्रोफाइल में जाकर के आज के दिन का पहला वीडियो व्लॉग 12 देखिएगा, उसमें आप देखिएगा कि किस तरह लाइव व्लॉगिंग कर रहे थे, हाथ से मोबाइल गिरा कार चढ़ी, मतलब सब लाइव शूट हो गया। बहुत फाइनली रेडी हो गया हूँ और ये लुक नॉर्मल सा एकदम। वो देखो गणेश, गणेश एक बार फिर दिखा बड़े सालों के बाद। तो ये रहा एक छोटा सा लुक, ये आप देख सकते हो ये स्लो मोशन में। तो ये हल्का सा तैयार हुआ हूँ, मुझे देखो तैयार होने का और कोई फेशियल किट वगैरह लगाने का कोई शौक नहीं है। तो अब चलते हैं सीधे रिलेशन में और शायद वहाँ पे ब्लॉग ना शूट करूँ क्योंकि रिलेशन में अच्छा नहीं लगता है। ये हम जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दुखी है बाबू। आप भी पार्टी में चलोगे चाचू के साथ क्या हैं? इसको भी पार्टी में चलना है, देखो इसका लुक है ये। इनको भी पार्टी में चलना है, रो देखो रहे। चलो अच्छा चलो तैयार हो जाओ, चले नए कपड़े पहना चल के। वहाँ पे पता क्या है, आइसक्रीम है, चाउमीन है और वो क्या कहते हैं और तुम सूखे चावल हैं, सूखे चावल इनको बहुत पसंद है। बताओ खाओगे चल के? तेरी नजरों का ये सुकून है, तेरे दिल का ये तो फितूर है, तुझे प्यार में ऐसा धोखा दिया तुझे। देखो भाई कितना दर्द है, ये कितना डांसिंग गाय है, हर बात पे डांस करती है। जैसे कोई भी गाना स्टार्ट कर दो, कौन सा गाना स्टार्ट करें, जैसे गाना स्टार्ट करेंगे अपने आप पे और तुझे भूल जाना ही जाना मुमकिन नहीं, तो याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं, तो याद न भाई, भाई बहुत यार इसकी बोली लगाने जा रहा हूँ। ये देखो फोटो पे क्लिक करवाती है, अभी देखना अभी लेगी नहीं, ये देखो है स्ट्रेट है और जैसे गाना करूंगा तुरंत डांस फिर से स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर ये घर है जो आने जा रहा है, ये आप घर जो देख रहे हो कच्चा वाला, ये पुताली का घर है। ये वीर शहीद सपूत थे, भारतीय आर्मी में थे ये और ये पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे। वीर पुताली का घर कितना कच्चा बना हुआ है, जैसा आप लोग देखते हैं एक सपूत का घर जो भारत माता की रक्षा करता है उसका घर आप देखे होंगे कितना कच्चा था। और बाकी सारे घर पक्के ही, देखो अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं सबका घर। प्यारी क्यूट सी बर्थडे गर्ल, ये आप देख सकते हो क्यूट सी, देखो क्यूट सी है, टेडी बियर लगती है ये। तो आप सभी लोग इसको बर्थडे विश कर दीजिए। चेहरा देखिए आप इसका, ये देखिए इनका नाम अनोखी है। मैं भी जा रहा हूँ आराम करने और मजे लेने, पार्टी का थोड़ा सा मजा और खाना पीना करते हैं, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, मतलब कि कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।